मैंने गैस पे फैन रख लिया है, इसको मीडियम हम ऑन कर लेते हैं। लो टू मीडियम रखेंगे फ्लेम को। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये एक कटोरी मखाने मैंने लिए हैं, फूल मखाना, इसे डाल देते हैं और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करना है ये मखाने थोड़े क्रंची हो जाए, इतना हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। हमने ये रोस्ट कर लिया है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये अच्छा रोस्ट होना चाहिए। आप देखो इस तरीके से होने चाहिए कि हाथों से ये अच्छे से इस तरीके से टूट जाए, और इसमें आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अच्छा ये क्रंची हो गया है। इस तरीके का ही हमें ये मखाना चाहिए, तभी इसका अच्छा हमारा ये मखाना पॉपकॉर्न बनेगा। अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने ये ली है गुड़ की शक्कर, आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच शक्कर ली है, चम्मच यही है नॉर्मल जो आप खाना खाने में यूज़ करते हैं, ये 4 चम्मच शक्कर ली है। इसे मैं इसमें डाल दूंगी। एक कटोरी मखाने के लिए हमने 4 चम्मच शक्कर ली है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं लो टू मीडियम, और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसकी चाशनी बना लेनी है। सारा गुड़ ये मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ये मखाने डालेंगे जिन्हें हमने रोस्ट किया था, और इसमें हम मिला देंगे, चलाते रहेंगे जब तक इनमें चाशनी ये लग ना जाए, मखानों में अच्छे से चिपक ना जाए, तब तक चलाते रहेंगे, वरना ये मखाने आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए इनमें हम चलाते रहेंगे। और गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं, हमने गैस ऑफ कर दी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडी होएगी, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए ठंडा हो गया है, चलाते चलाते एकदम चाशनी अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं एक एक मखाना खिल गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, काफी अच्छा ये बन गया। और कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई है हमारी ये स्वीट मखाना कॉर्न, देख सकते हैं हमारी ये बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये गुड़ वाली स्वीट मखाना कॉर्न बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी, आप व्रत में जरूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए कितनी ये हमारी क्रंची बनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये टूट जाती है। बहुत ही अच्छी हमारी ये स्वीट मखाना कॉर्न बनकर तैयार हुई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।